सुप्रीम कोर्ट ने भगोड़े व्यवसायी विजय माल्या को अवमानना मामले में 4 महीने की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 2,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने जुर्माना न चुकाने पर 2 महीने की अतिरिक्त कैद की सजा भी सुनाई है। इसके अलावा विदेश में ट्रांसफर किए गए $40 मिलियन 4 हफ्ते में चुकाने के लिए भी कहा है। जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। इनमें जस्टिस यू ललित, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस सुधांशु धूलिया शामिल रहे। बता दें कि माल्या ने न सिर्फ विदेशी खातों में पैसे ट्रांसफर करने को लेकर कोर्ट को गलत जानकारी दी, बल्कि पिछले 5 साल से कोर्ट में पेश न होकर अवमानना को और आगे बढ़ाया है। माल्या को साल 2017 में ही सुप्रीम कोर्ट ने अपनी अवमानना का दोषी ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट ने 10 जनवरी को सुनवाई टालते हुए माल्या को पक्ष रखने का अंतिम मौका दिया था। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा था कि अगर अगली सुनवाई में दोषी पेश नहीं होता या अपने वकील के जरिए पक्ष नहीं रखता तो सजा को लेकर कार्रवाई नहीं रोकी जाएगी। दरअसल उसे डिएगो डील के $40 मिलियन अपने बच्चों के विदेशी अकाउंट में ट्रांसफर करने और संपत्ति का सही ब्यौरा न देने के लिए अवमानना का दोषी करार दिया गया था। बता दें कि माल्या कुछ कानूनी दावपेच अपनाकर यूनाइटेड किंगडम में डेरा जमाए बैठा है। उसने वहां कोई गुप्त कानूनी प्रक्रिया शुरू कर ली है। जानकारी के मुताबिक यूके की सरकार ने ना तो इस प्रक्रिया में भारत सरकार को पक्ष बनाया है और ना उसकी जानकारी साझा की है। इस कारण माल्या को अब तक भारत नहीं लाया जा सका है।